नमस्कार मेरे बच्चों मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वुगली स्टूडियो में माय डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग हर हर वुगली घर घर वुगली तो दोस्तों क्या हालचाल है भैया आप लोगों के रवि अनिल सोनाली नेहा हरीश बराड़ टेकम राजेंद्र धीरज सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ भैया जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट और लेक्चर सेशन की शुरुआत हो गई है पहला क्वेश्चन भी आपको दे गया है टाइप ऑफ इंसुलिन कैन नेवर बी मिक्स विद द अनादर और दोस्तों पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार है आज तो और पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कौन सा इंसुलिन ऐसा है मेरे बच्चों जिसको किसी और इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए यस रवि बेटा ध्यान आशीर्वाद हमेशा रहेगा खूब मेहनत करो खूब आगे बढ़ो और पढ़ते रहो याद रखना पहला क्वेश्चन है कि विच इंसुलिन नेवर बी मिक्स अनादर इंसुलिन तो दोस्तों आप जानते हो जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है ना कौन सा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है ना भैया उसको कभी भी दूसरे इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए अंडरस्टैंड तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कितने लोगों का सही जवाब निकला है भैया क्वेश्चन नंबर टू करते हैं मेरे बच्चों द अर्लिएस्ट आइडेंटिफाइंग साइन फॉर अगर आपको कहना है कि जब कभी भी आप किसी भी क्लाइंट के प्रेशर सोर को असेस कर रहे हैं तो अर्लिएस्ट आइडेंटिफाइंग साइन क्या होगा कलर में चेंज कूलनेस एडिमा या सेंसेशंस का लॉस होना और दोस्तों कभी भी प्रेशर अल्सर का क्वेश्चन आ जाए याद रखना इस बात को कभी भी प्रेशर अल्सर का क्वेश्चन आ जाए तो अर्लिएस्ट आइडेंटिफाइंग साइन होता है मेरे दोस्तों क्या होता है वो पर्टिकुलर एरिया जिसमें प्रेशर सोर हो गया है वो कैसा हो जाएगा कलर चेंज उसका हो जाता है तो चेंज इन द कलर इज द अर्लिएस्ट आइडेंटिफाइंग साइन जिसको आप आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज दर्लिएस्ट साइन इन केस ऑफ द प्रेशर सॉर ए ऑप्शन राइट आंसर है क्लियर हो गया सबको थैंक यू सो मच रवि थैंक यू डियर। क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट टू हेल्प टू प्रिवेंट विद द फ्रैक्चर रेव एज अ रिजल्ट ऑफ द चेस्ट ट्रोमा दोस्तों यदि अगर चेस्ट ट्रोमा हो जाए

बिट्टू नीतू विकास और और नीलम शिवानी इज व एटलैक्टैसिस वॉट यू बाय द बाई प्लीज पुट योर आंसर वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट एटलैक्टेसिस इज द कोलैप्स इन द एलवियोलाई एलवियोलाइस का कोलैप्स होना ही एटलेक्टेसिस कहलाता है तो so, एलवियोलाइज यदि अगर कोलैप्स होने की कगार पर है होने वाली है तो इन दिस केस वी सजेस्ट आवर पेशेंट टू डू द कफिंग और डीप ब्रीदिंग माइ डियर स्टूडेंट दिस इज द द वेरी वेरी हेल्पफुल मैकेनिज्म दिख रेरी अंडर यू एनकरेज योर पेशेंट टू डू द कफिंग एंड द डीप ब्रीदिंग दैट विल प्रिवेंट द दैट विल प्रिवेंट द एटलैक्टेसिस तो गाइस क्रिस्टल क्लियर है एटलेक्टेसिस से प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को डीप ब्रीदिंग और कफिंग एनकरेज करना है क्रिस्टल क्लियर हो गया है द सीओपीडी डिटीरियोरेट द रेस्पिरेटरी फेलियर और इज द एम्पेंडिंग विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स द फर्स्ट दोस्तों क्लियर है एबीजी आप किसी क्लाइंट का विद दर्ड्रियल ब्लड गैस ऑफ पेशेंट विद सीओपीडी एंड द रेस्पिरेटरी फेलियर इज इम्पेंडिंग विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द द नर्स फर्स्ट साइनोसिस इज मेंटल कंफ्यूजन और यदि कभी भी क्वेश्चन कर लू ना आपसे ऐसा मेरे बच्चों कि अगर कोई भी पेशेंट है एनी कोई भी हो सकता है यहां सीओपीडी और रेस्पिरेटरी फेलियर का क्लाइंट है अगर किसी भी सिचुएशन में पेशेंट का एबीजी में ओटू सेचुरेशन रिड्यूस आ रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो सबसे अर्लिएस्ट जो चेंज आते हैं वो आते हैं दोस्तों ब्रेन पर किस पर कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है ओटू की कमी से ब्रेन अफेक्ट होता है और मेंटल कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है तो इज द अर्लिएस्ट इंडिकेटर ऑफ द पेशेंट इज द मेंटल कंफ्यूजन सबको आ गया भैया अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस इज द राइट आंसर मेंटल कंफ्यूजन यानी कि आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी ना अरे भाई बोलो गजोधर एक बार जोर से बोल दो हर हर वुगली घर घर बुगली और दोस्तों 2022 के अंदर हर एम्स के बाहर हर एग्जाम सेंटर के बाहर एक ही नारा आपको जोर से लगाना है कि आई एम वी हर हर वुगली घर घर बुगली और आप सबको एक दूसरे से कहना है एक दूसरे की पहचान क्या है हम सबकी हम सबकी एक ही पहचान वी आर बुगलियंस हम सब की एक ही पहचान दोस्तों वी आर नर्सेस एंड वी आर वुगलियंस और ऑलवेज वी विल वुगलियंस तो चलिएगा माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर द सेग्मोइडोस्कोपी व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड द क्लाइंट इन द प्रिपरेशन फॉर दिस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यदि अगर हम हमारे पेशेंट को सिग्मोइडोस्कोपी के लिए तैयार कर रहे हैं तो कौन सा इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा चलिएगा जवाब राइट ऑप्शन गाइस पहला ऑप्शन और आप में से कृष्णा का सबसे पहले जवाब आया भैया विनर है आज की सेशन की कृष्णा कृष्णा खड़े हो जाओ भैया और कृष्णा के लिए तालियां बजाना है सबको एक बार भैया कृष्णा के लिए तालियां होनी चाहिए कृष्णा इज द विनर फॉर दिस सेशन और सबसे पहले जवाब देने वाला ही विनर होगा तो चलिएगा मेरे बच्चों मैंने कहा कि जब भी सिग्मोडोस्कॉपी करें आप तो उस क्लाइंट को मॉर्निंग में क्या करना है आपको एनिमा देना है तो मॉर्निंग में एनिमा दिया जाएगा इवनिंग में सिग्मोडोस्कॉपी होगा जब बॉवेल बिल्कुल क्लियर हो जाता है क्लियर हो गया है गाइस ए ऑप्शन जवाब देना है आपको अरे याद रहेगा ना भैया सबको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट अरे मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट तो सबको आना चाहिए किसी का भी गलत नहीं और मैं देख रहा हूं कि कौन सबसे जल्दी आंसर करेगा कौन सबसे जल्दी और शिवानी ने इस बार बाजी मार ली भैया शिवानी 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 यस yes, ग्रेट बेटा ग्रेट तो याद रखना मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट और देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में कौन जीतता है अरे कौन जीतता है क्वेश्चन नंबर में देखो कौन जीतने की कोशिश करेगा अरे भैया हाथ खड़ा करो कौन जीतना चाहता है तो आगे बात करता हूं भैया देखना ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेवन आने वाला है चलिएगा आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू रिवर्स द एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट दोस्तों स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए कौन सी दवा देने वाले हो और देखते हैं कौन जीतने वाला है क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर और सेवन का जल्दी से भैया विकास ने बाजी मार ली और तालियां विकास के लिए होनी चाहिए भाई साहब विकास यू आर द विनर और न्योस्टिक जो है मेरे बच्चों न्योस्टिक माइंड दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए नियोस्टिगमाइन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्लियर है विकास नाउ द क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं कौन बाजी मारने वाला है मैकेनिज्म ऑफ टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंक्लूड ऑल द एक्सेप्ट टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी आपको पढ़ाई जाती है माइक्रो के अंदर और मेरे बच्चों आपको इसमें बताना है कि कौन सा इससे रेलेवेंट नहीं है जो टाइप सेकंड में ना होता हो जल्दी आंसर दो भाई साहब करेक्ट आंसर देने वाले को पहचानूंगा फटाफट सही जवाब जिसका आएगा वही विनर होगा पहला ऑप्शन इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज ऑप्शनाइजेशन उप, और फैगोसाइटोसिस कंप्लीमेंट एंड द एफसी, एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इंफ्लामेशन और एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन दोस्तों इज द राइट इज द राइट इज द राइट

जल्दी से लिखो दीनबंधु जयपुर सुषमा जगदीश वेरी गुड पिछला संडे का क्लास जिसने नहीं लिया है वो ध्यान से सुनना एक भी क्लास में मत करना जयपुर की ऑफलाइन जो क्लासें ले रहा हूं ना संडे टू संडे मेरे बच्चों आ जाना और नॉर्सेट तक कम से कम एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आपकी जयपुर के सेशन की और दूसरा सेशन है उन्नीस तारीख को आपको पता है होगा सब लोगों को और जो आसपास के हैं जो आ सकते हैं ना वो कोशिश करना आ जाओ क्योंकि जो मेरे बच्चों एक यूनिट पूरी अगर आपकी कोचिंग के अंदर भी क्लास चल रहा है ना तो वो तो चलती रहेगी भैया वो तो चलता रहेगा छोड़ो उसको लेकिन इस एक दिन की क्लास में आपको मेरे बच्चों इतना रिजल्ट मिलेगा आउटपुट मिलेगा कि आप बहुत बूस्ट हो जाओगे तो ये बूस्टर क्लासें जो जयपुर के अंदर शुरू करी है और ऑफलाइन मेरे बच्चों ऑफलाइन ही होता है ऑनलाइन ऑनलाइन होता है ऑफलाइन ऑफलाइन ही होता है मेरे बच्चों इस क्लास को मिस मत करना ये बूस्टर क्लास जो है आपका पूरा रिजल्ट बदल देगी और थ्योरी पढ़ाता हूं उसके अंदर तो आपको पूरी यूनिट शाम तक रटवा करके टिप्स पे फिर भेजूंगा तो याद रखना मेरे बच्चों क्लास स्किप ना हो द कंटेंट ऑफ ओ आर एस इंक्लूड ओ आर एस किससे बना होता है क्या क्या मिक्स है ओ आर एफ के अंदर मेरे बच्चों जल्दी से जवाब दीजिएगा ओ आर एस में क्या क्या मिक्स है ओ आर एस किस किस से बनता है कविता हरियाणा में लेंगे बेटा बहुत जल्दी ही आऊंगा हरियाणा में आप तैयार रखो व्यवस्था अपने दोस्तों से बातचीत करके तैयार कर लो उन लोगों को और क्लास की संख्या रजिस्ट्रेशन करवा दो बच्चों के फिर हरियाणा का सेशन ले लूंगा और मेरे बच्चों ओ के अंदर एन एस सी एल के ग्लूकोज और वाटर होता है सी ऑप्शन राइट आंसर और एक गुड न्यूज है आप सबके लिए सुनाऊंगा क्लास के लास्ट में और क्या गुड न्यूज है ये लास्ट में सुनाऊंगा आपको ध्यान से सुनते रहना व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल फॉर द कलेक्शन ऑफ यूट्राइन फॉर द रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मेरे बच्चों रिकमेंडेड प्रोटोकॉल बताना है यूट्राइन फॉर द रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए क्या करना चाहिए आपको रिकमेंडेड प्रोटोकॉल फॉर कलेक्शन ऑफ द यूट्राइन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वॉट इज द करेक्ट वन सॉरी यूट्राइन नहीं यूरिन मेरे बच्चों यहां पर करिए आप यूरिन करेक्शन करिएगा यूरिन का जो सैंपलिंग करना है आपको रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के पर्पज से उसमें अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेना है आपको कौन सा लेना है अर्ली मॉर्निंग लेना है और मिड स्ट्रीम लेना है ठीक है ना मेरे बच्चों तो बी ऑप्शन राइट आंसर है क्रिस्टल क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन हिमोफीलिया ए इज करेक्टराइज बाय द डेफिशियंसी ऑफ और मैं हमेशा पढ़ाता हूं आप लोगों को हीमोफीलिया पिछली क्लास में पढ़ा के आया हूं जयपुर में किस किस को याद है जो जो जयपुर में क्लास आया था भैया किस किस को याद है मैंने कहा एट इन आठ नौ दस ग्यारह बारह सुनना आठ नौ दस ग्यारह बारह ए फोर एपल बी फोर बॉल सी डॉल अरे रवि वाह वेरी गुड बेटा एट नो आठ नो दस बोलो मेरे साथ एक बार आठ नो दस ग्यारह बारह ए फोर एप b for ball, C for Kate, d for doll. मेरे बच्चों बी इलेवे से सी और ट्वेल्व से होता है डी अंडरस्टैंड अरे सबको आ गया क्या क्लियर है तो भैया यहाँ पूछा हिमोफिलिया ए फैक्टर एट से होगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व

लिनोइक एसिड एक ऐसा एमिनो एसिड है एक ऐसा फैटी एसिड है लिनोइक मेरे बच्चों ये असेंशियल होता है बाकी सब नॉन असेंशियल right है लेनोलिन ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दीज आर नॉन असेंशियल बट लिनोइक एसिड इज अ असेंशियल फैटी एसिड यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्लियर है सबका नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों थर्टीन विच ऑफ द फोलोइंग करेक्ट कंसर्निंग द फीटल ही मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था जयपुर के अंदर और जयपुर में संडे का जो सेशन लेके आया हूँ बारह तारीख का अगला सेशन उन्नीस का है भूल मत जाना डेट अगला सेशन जयपुर का कितनी तारीख का है उन्नीस तारीख का है यही संडे का जिस दिन एस जी पी जी आई का एग्जाम भी रहेगा उसी दिन क्लास रहेगी जो एग्जाम देने जाएंगे उनको तो मेरी शुभकामनाएं अच्छे से दे के आना और जो नहीं देने जाएंगे उनके लिए मेरे बच्चों क्लास है ठीक है ना तो याद रखना मेरे गजोधर एच बी एफ हमारी बॉडी के अंदर एच बी एच बी ए टू और एच बी एफ ये तीन तरह का एच बी होता है एक एच बी होता है दोस्तों एच बी गोवर याद रखना ये भी तो मैं पूछ रहा हूं कि एच बी एफ जो है उसका क्या मतलब होता है दोस्तों और एच बी एफ का फीचर आपसे पूछ रहा हूं तो एच बी एफ इज कम्पोज ऑफ टू एल्फा एंड टू गामा सब यूनिट मेरे बच्चों याद रखना एच बी एल्फा 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 बीटा गामा और डेल्टा तो याद रखना एच बी एफ दो एल्फा और दो गामा से मिलके बनता है गजोधर सबके सबका जवाब गलत है भैया सबका गलत जवाब है और सही आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट याद रखना क्लास ली होती तो यूं ही बता देते चुटकियों में आप ठीक है ना तो ए ऑप्शन राइट आंसर पढ़ा रहा हूं और मेरे बच्चों याद रखना टिप्सों पे आ जाएगी यूनिट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नंबर ऑफ क्रोमेटिक्स एट द इज आपको बताना है मेटाफेज में क्रोमेटिक्स के नंबर हैं

और मेरे बच्चों चाहे वो माइटोसिस या मियोसिस हमेशा क्रोमेटिड्स के नंबर कितने होते हैं दो ही होते हैं मेरे बच्चों इन द बोथ माइटोसिस एंड द मियोसिस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर याद रखना कि जब भी कभी माइटोसिस या मियोसिस का सवाल आए और पूछा जाए क्रोमेटिड्स के नंबर इन द मेटाफेस तो गाइस हाउ मेनी नंबर इन द मेटाफेस तो मेटाफेस का फोटो बना रहा हूं मैं आपको ये देखना समझ लेना थोड़ा सा ध्यान दो इधर मेटाफेस का फोटो बना रहा हूं और मेटाफेज में ये होता है मेरे बच्चों सेंट्रोमेयर ये क्या है सेंट्रोसोम है सेंट्रोसोम से बनते हैं स्पिंडल फाइबर जेनेटिक्स पढ़ लो थोड़ी सी देर ये स्पिंडल फाइबर बन गए और स्पिंडल फाइबर से जुड़ते हैं मेरे बच्चों क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम की ये जो देख रहे हैं आप ये कहलाते हैं ये क्या कहलाती हैं क्रोमेटिड्स तो मेरे गचोदर में यही तो पूछ रहा हूं कि मेटाफेज मेटाफेज में नंबर ऑफ कितनी होती है तो के अंदर मेरे बच्चों दो ही क्रोमेटिड्स होती है ये क्रोमोसोम का फोटो है पूरा क्रोमोसोम देख लो ये कहलाती हैं दोस्तों क्रोमेटिड्स क्या कहलाती हैं क्रोमेटिड्स और जहां पर चार क्रोमेटिड्स वन टू थ्री फोर एक क्रोमोसोम में टोटल फोर क्रोमेटिक्स होती है ये भी याद रखना जहां पर क्रोमेटिक्स आपस में कनेक्टेड होती है उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं ये भी याद रखना अगर पूछू मेटाफेज में कितनी क्रोमेटिक्स होती है तो आंसर होगा टू क्रोमेटेट्स अब तो नहीं भूलोगे ना भैया मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उसके लिए क्या करना है के सीरीज जयपुर में उन्नीस तारीख को तारीख मत भूलना सब लोग कितनी तारीख और आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो ना क्लास छोड़ देना उस दिन की एक दिन की क्लासें छोड़ देना मेरे बच्चों क्योंकि तो जितना मैं पढ़ाऊंगा ना आपको संडे को जितना रिजल्ट आप मेरी क्लास से लेके जाओगे ना किसी से नहीं मिलेगा और एक बार जरूर आना आप लोग और आके देखना कि क्या परिणाम उसका आता है और 10 संडे के अंदर अंदर ही तुम्हारी काया पलट कर दूंगा मेरे बच्चों मील का फ्तर साबित होगी एक एक क्लास और दोस्तों याद रखना मैंने कहा कि जो क्रोमेट रजिस्ट्रेशन की बात पूछ रही थी तो वगली ऐप में जाना और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन में जयपुर केजीएफ सेशन टू के नाम से एक वहां पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मैंने कहा जेनेटिक्स के अंदर मेरे बच्चों जेनेटिक्स के अंदर यदि सवाल आ जाए एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड्स होती हैं तो आंसर होगा फोर टोटल क्रोमेटिड्स यदि टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स क्रोमेटिड्स पूछूंगा तो तो कहूं मेटाफेज में कितनी होती हैं आंसर होगा क्रोमेटिड्स कहां पर कनेक्टेड होती है तो आंसर होगा सेंट्रोमेयर तो 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 आ गया सबको क्लियर हो गया है उन्नीस को जिसका एग्जाम है वो उनको मैंने कहा उनको शुभकामनाएं एग्जाम देने जाना जिसका एग्जाम नहीं है वो क्लास लेने आना ठीक है ना और जिसका रजिस्ट्रेशन ऐप में हो जाए अच्छी बात है नहीं हो तो वही ले लेना हैंड टू ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सेंटर पे आ जाना बस आप तो विशाल मेगा मार्ट के सामने बिल्कुल सामने देखोगे तो आपको वुगली लिखा हुआ नजर आ जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में गोपालपुरा बाईपास वाली रोड पे ठीक है ना तो याद रखना मेरे बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्लियर है सबको अरे आ गया कि नहीं आया बात समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इम्यूनोग्लोबिलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर और रिच द फीटल सर्कुलेशन मतलब सीधा सीधा मैं पूछ रहा हूं आपसे कल मैंने पूछा था एक इम्यूनोग्लोबिलिन ए का और देखते हैं अनिल जीत गया भैया सबसे पहले अरे अनिल से पहले कृष्णा ने जवाब दे दिया तो भाई साहब कृष्णा के लिए तालियां और इस सवाल के अंदर कृष्णा जो है बाजी मार गई और ये है मेरे बच्चों जो प्लेसेंटल बैरियर्स को क्रॉस कर सकती है वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसका होता है गैस्टेशनल एज में ये इम्यूनोग्लोबुलिन फीटस को मिल जाता है और दूसरा है आईजीए ये कोलेस्ट्रम के अंदर और बॉडी सिक्रेशन के अंदर होती है आईजीएम जो होती है रिसेंट इंफेक्शन के समय बनती है और आईजीडी को सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है तो सही आंसर आ जाएगा दोस्त ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एक सवाल से दस दस क्वेश्चन क्लियर करना है आपको फिफ्टीन सिक्सटीन

तो कृष्णा ने सही जवाब दिया भैया और right good, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर वेरी गुड कृष्णा 17 हाइड्रोफोबिया इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइड्रोफोबिया कौन से डिजीज का क्लिनिकल फीचर है और जवाब देना देखे कौन जीतने वाला है बाजी और इस बार जगदीश ने बाजी मार दी अरे यार कृष्णा ने पहले ही जवाब दे दिया था कृष्णा और जगदीश दोनों ने बाजी मार दी भाई साहब इस बार तो और याद रखना मेरे गचौदर रेबीज का फीचर होता है हाइड्रोफोबिया पानी से डरना और पानी से कौन से पैसेंट डर जाते हैं जिनको कुत्ता काटने बिल्ली काट ले बंदर काट ले और उनको क्या हो जाए रेबीज हो जाए रेबडो वायरस की वजह से ठीक है ना तो पानी से डर लगने लग जाता है अपनी परछाई से डर लगने लग जाता है क्लैपिंग भैया जगदीश और कृष्णा के लिए देखता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछू क्या अरे तैयार होना अगले क्वेश्चन के लिए कौन बाजी मारने वाला है मैं देखने वाला हूं बुलेट yes, शेप का होता है तैयार रहना अगले क्वेश्चन के लिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर एटीन इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने एंगल पे दिया जाता है जवाब दो भैया फटाफट और इस बार बाजी कौन मार रहा है जगदीश बाजी मार गया भाई साहब इस बार तो जगदीश का सही जवाब है वेरी गुड पंद्रह डिग्री के एंगल पे दिया जाता है दोस्तों इंट्राडर्मल इंजेक्शन और ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है अगला सवाल सुनना आप और देखते हैं कौन बाजी मारता है वाइल टेकिंग द टेम्परेचर फ्रॉम द रेक्टल रूट इन द चिल्ड्रन थर्मोमीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट कितना थर्मामीटर इंसर्ट करोगे दिल्ली एम्स का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये नीतू ने दिया अच्छा वेरी गुड फिर से आंसर तो कृष्णा ने दिया है देखते हैं किसने दिया है सबसे पहले और इस बार बाजी कौन मार के गया भैया कृष्णा और वेरी गुड शाबाश और मेरे बच्चों जब भी कभी रेक्टल टेम्परेचर लो आप किसी भी चिल्ड्रन का तो आपको एक इंच से ज्यादा थर्मामीटर इंसर्ट नहीं करना है और याद रखना यदि उसको हीमोफिलिया या कोई ब्लीडिंग डिजीज है ना तो रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है ठीक है ना तो याद रखो 1 इंच इज द राइट ऑप्शन सब याद रखना क्लियर है भैया देखते हैं अब कौन जीतता है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इज ऑब्जर्वड फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव वुंड किसके लिए ऑब्जर्व करेंगे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव वुंड के अंदर और सबसे पहले जवाब आया भैया इस बार जगदीश का वाह भाई जगदीश शाबाश जगदीश बाजी मार गया रे मेरे बच्चों अरे आप भी आगे बढ़ो यार जगदीश और कृष्णा ही बाजी मार रहे हैं हर सवाल के अंदर मेरे बच्चों याद रखना पोस्ट ऑपरेटिव पूछ रहा हूँ पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद जो उड़ होता है उसको हम ब्लीडिंग और डिस्चार्ज के लिए ऑब्जर्व करते हैं स्टार क्वेश्चन है लगा लेना ये मेरे बच्चों ऑपरेटिव नर्सिंग का क्वेश्चन है और ऑपरेटिव नर्सिंग में से क्लिनिकल में से दिल्ली एम्स के अंदर बहुत सवाल आएंगे नॉर्थ सेट के अंदर ऑपरेटिव नर्सिंग हो गया इमरजेंसी नर्सिंग हो गया आईसीयू हो गया क्लिनिकल पोर्शन हो गया फंडा के क्वेश्चन हो गए और आपको जो के की क्लासेस मिल रही है रोज वो सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स की यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पचास क्वेश्चन अपन रोज कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पचास पचास रोज करेंगे ना तो बच्चों बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लोगे आप और इतना बड़ा गोल आपका क्वेश्चने आपका जो है वो मजबूत हो जाएगा कि आप यून और सेट निकाल लोगे तो आप क्लासे करो और थ्योरी पढ़ो जयपुर के अंदर और क्लासे पढ़ो छह दिन यहाँ जयपुर में छह घंटे पढ़ो और बाकी फिर छह यहाँ पे क्वेश्चन करो और जो मॉड्यूल में देके जाता हूँ तुम लोगों को जयपुर में सीट देके जाता हूं ना एक वो जो सीट देके जाता हूँ ना मेरे बच्चों 200-300 क्वेश्चन की यूनिट की वो सीट पूरे वीक में आपको सोल्व करना है तो पूरा प्लान्ड है सब कुछ और फिर उसके बाद एक टेस्ट स्टार्ट करूंगा तो पूरी यूनिट जो है आपको परफेक्टली लर्न हो जाएगा तब अपन उस यूनिट को पैक करेंगे अगला सवाल देखना नर्स इज परफॉर्मिंग द सर्जिकल हैंड हाइजीन सी मस्ट कीप द हैंड हैंड जब भी सर्जिकल हाइजीन आप मेंटेन करो तो आपको हाथों को कहां रखना है बिलो एल्बो अबो एल्बो या 45 एंगल या कंफर्टेबल पोजीशन। और सबसे पहले बाजी फिर से कृष्णा ने मार लिया कृष्णा बहुत एक्टिव लड़की है यार वेरी गुड कृष्णा और हमें हमेशा याद रखना जब भी सर्जिकल हैंड वॉशिंग करो तो हमारे हैंड को हमें एल्बो से ऊपर रखना होता है इस टाइप से समझ गए सब लोग तो सही आ गया 22 के अंदर देखना कौन बाजी मारने वाला है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के अंदर मेरे बच्चों फीटल हार्ट रेट कैन बी ऑस्कल्टेड फीटोस्कोप एट द आपको फिटल हार्ट सुनना है और कितनी एज में आप फिटोस्कोप से पीटर्स हार्ट साउंड को सुन सकते हो और सबसे पहले बाजी मारी है इस बार किसने प्रमोद ने प्रमोद का टॉप रैंक आया है भैया इस बार रैंक किसकी आई है फर्स्ट रैंक प्रमोद की आई है तो प्रमोद के लिए तालियां होनी चाहिए भाई साहब और सही जवाब है मेरे गजोधर सी ऑप्शन यानी 20 वीक जब बच्चा पूरा कर लेता है फीटस जो है ना वो 20 वीक पूरा कर लेता है तो 20 वीक पूरे कर लेने पर मेरे बच्चों फीटस की हार्ट साउंड को आप फीटोस्कोप से सुन सकते हो कर सकते हो क्वेश्चन नंबर आने वाला है और मेरे बच्चों याद रखना कौन बाजी मारने वाला है तैयार रहना तेईसवा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बहुत जल्दी तैयार हो जाओ पोजीशन ले लो सब लोग आ गया है द एजेंट यूज टू डिसन ऑफ द एच पॉजिटिव पेशेंट एच पॉजिटिव पेशेंट के बेड लिनन को डिस करने के लिए क्या यूज करोगे और सबसे पहले आंसर आया है भैया जगदीश का जगदीश का सही आंसर आया भैया लाइन लगा दी तुम लोगों ने वेरी गुड शाबाश और मेरे बच्चों याद रखना एच का अगर पेशेंट है ना और जिस बेड पे आपने उसको सुला रखा है उसके बेड लिनन को हमेशा सोडियम हाइपोक्लोराइड से आपको डिस करना होता है किससे करना होता है बेटा सोडियम हाइपोक्लोराइड से डी ऑप्शन जवाब आएगा सही आंसर आ गया क्या सब लोगों को अरे क्लियर हो गया ना डी ऑप्शन सोडियम हाइपोक्लोराइड यार रिवर्स कर दूं अगर इस क्वेश्चन को पहले तो लगाओ इसको वेरी इंपॉर्टेंट सेवन स्टार का सम्मान भी दे दो भाई साहब इसको क्योंकि है ही इतना वैल्यूएबल क्वेश्चन अगर मैं रिवर्स पूछ लूं इसको कि सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है कौन से पेशेंट्स के बेड bad, बेडिंग को या बेड लिनन को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा तो मेरे बच्चों पॉजिटिव को क्वेश्चन नंबर के लिए तैयार हो जाइए भैया देखते हैं कौन क्या करने वाला है क्वेश्चन प्रेगनेंसी और, in और ये सवाल भी बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे बच्चों कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव को प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है और सबसे पहले बाजी मार रहा है यहां पर अभी जगदीश ही बाजी मार रहा है अनिल अनिल का आंसर आ रहा है क्या सही और मेरे गजोधर याद रखना सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सी दवा नहीं देनी है आपको प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव नहीं देनी है दोस्तों तो एस इनहिबिटर नहीं दिया जाता है अब आपको यह पहचानना है कि इसमें से एस इनहिबिटर कौन सा है तो एस इनहिबिटर कौन सा है दोस्तों जिसके नाम में प्रिल आता है वो होता है एसेनिविटर और इनाला प्रिल जो है ये एक एसेनिविटर दवा है इसलिए प्रेगनेंसी में इसको नहीं देते हैं डी ऑप्शन इसका सही जवाब है नेक्स्ट देखना मेरे बच्चों अब कौन वाला बाजी कौन बाजी मारने वाला है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आ गया है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस और एमआरएसए के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है जवाब दो जल्दी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव के अंदर और देखते हैं भैया सन्नी और सनी शिवानी जगदीश जगदीश ने बाजी मारा है सबसे पहले जगदीश पहली रैंक है जगदीश और मुकेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से मेरे बच्चे बहुत बहुत थैंक यू सो मच लव यू गाइस लव यू ऑल और मुकेश को विशेष धन्यवाद मेरे बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमआरएसए एमआरएसए एक ऐसी इन्फेक्शन जिसमें मैथिसिलीन के प्रति स्टेफाइलोकोकस की वो स्पीशीज जिसमें मैथिसिलीन के प्रति रेजिस्टेंस होता है ना उसे कहते हैं एमआरएसए और एमआरएसए के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोस्तों एमआरएसए के लिए वैनकोमाइसिन डी ऑप्शन याद रखना भैया इस वैनकोमाइसिन का नाम रट लेना एक बार मेरे साथ बोलो वैनकोमाइसिन 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 एमआरएसए वैनकोमाइसिन एमआरएसए तो शॉर्ट नोट बना लेना कॉपी के अंदर एम आर एस ए करके ऐसे करके लिख लेना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव और एम आर एस ए के सामने लिख देना वैंको माइसीन ये आपके नोट के टाइम पर रिवीजन के लिए काम आएंगे शॉर्ट नोट जो आप बना रहे हो अभी जो आप शॉर्ट नोट बना रहे हो ना वो शॉर्ट नोट कब काम आएंगे जब रैपिड रिवीजन करेंगे अपन इन सब के और इन सब की पीडीएफ वूगली ऐप में डलती है वूगली ऐप के अंदर सबकी पीडीएफ डलती है यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस होती है तो जितनी क्लासेस आपकी प्रीवियसली नहीं हुई है मेरे बच्चों वो सारी लोग बार -बार लो। लो पहले आए थे और अभी जो नहीं आ पाए हैं वो ऑफलाइन भी वहां के भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और ऐप में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उस दिन की क्लास छोड़ देना चाहे आपका टेस्ट हो या आपकी क्लास हो संडे को संडे को ओनली क्लास लेनी है साउथ सर की जयपुर के अंदर इसके अलावा किसी की नहीं लेनी है और कोई शुल्क नहीं है निःशुल्क रजिस्ट्रेशन चाहिए बस आपको और मेरे बच्चों किसी भी कोचिंग की क्लास नहीं लेनी है संडे को केवल एक क्लास अटेंड करनी है और वो है साउथ सर की बाकी आप कहीं भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो बूस्टर क्लास आपके अंदर परिवर्तन लाएगी ना वो बहुत कारगर साबित होगी मैं बार बार कह रहा हूं नॉर्थसेट तक अपन गेम चेंज कर देंगे मेरे बच्चों नॉर्थसेट तक अपन को रिजल्ट चेंज कर देना है अपना अपना रिजल्ट अगर चेंज कर सकते हैं अपन और सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट हो सकते हैं तो केवल एक क्लास है मेरे बच्चों और वो है जयपुर की जो वीकली मैं संडे टू संडे क्लास ले रहा हूँ बूस्टर क्लास वो बहुत गेम चेंजिंग क्लास होगी यानी कि, कि कब आपकी परसेंटेज को स्कोर को वो सिलेक्शन में बदल देगी आपको पता भी नहीं चलेगा तो तैयार रहना भैया कर लिया क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज यूट्रस ओबीजी का सवाल आ गया आपके फेवरेट सब्जेक्ट का जवाब दो लव यू बेटा लव यू सोलंकी जी लव यू टू आपको बताना है मेरे गजोदर कौन सा यूट्रस का और कृष्णा ने फिर से फर्स्ट रैंक हासिल करी है भैया कृष्णा पहली रैंक पे चल रही है कंटिन्यू और कृष्णा मैं जानना चाहूंगा बेटा कि आप कहां से पढ़ रहे हो और क्या कर रहे हो और कहां से तैयारी कर रहे हो यह मैं आपसे जानना क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस रियली really बहुत एक्सीलेंट आ रहा है और यूट्रस का जो पोजिशन होता है दोस्तों नॉर्मल पोजिशन वो एंटी एंटीवर्टेड और फ्लेक्स्ड होता है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टल क्लियर हो गया है मेरे बच्चों जयपुर की क्लास रियल में बूस्टर क्लास है बंधु थैंक यू सो मच मेरे बच्चे लव यू नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन फॉलोविंग विटामिन इज इन्वोल्ड इन द ब्लड क्लोटिंग इनमें से कौन सा विटामिन ब्लड की क्लोटिंग से संबंध रखता है और इसमें इसमें सबसे पहली रैंक आई है भैया भागवंती की और भागवंती सबसे पहली रैंक पे है और तालियां भैया इसके लिए और थैंक यू सो मच वेरी गुड बेटा बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मेंस क्योंकि विटामिन के जो होता है मेरे बच्चों ये विटामिन के टू सेवन टू सेवन नाइन और टेन ये क्लोटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए लीवर में आवश्यक होता है यदि अगर विटामिन के नहीं मिलेगा तो लीवर टू सेवन नाइन जीरो टू सेवन नाइन टेन क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसाइज़ नहीं कर पाएगा और इसलिए क्लोटिंग मैकेनिज्म जो है वो फुलफिल नहीं होगा तो कौन सा विटामिन चाहिए क्लोटिंग मैकेनिज्म के लिए टू सेवन नाइन जीरो बनाने के लिए और फैक्टर का विटामिन का नाम है विटामिन के लॉक कर दो सब लोग और जिसने क्लास लाइक नहीं कर रखा वो लाइक बटन दबा दो जल्दी से मेरे बच्चों और रेगुलर क्लास मत भूला करो रात को दस बजे और मैंने कहा एक गुड न्यूज है आप सबके लिए लेकिन क्लास के अंत में सुनाऊंगा और गुड न्यूज जो है मेरे बच्चों वो वाकई में आपके अंदर बहुत चेंजिंग साबित होगा लेकिन क्लास के लास्ट में बताऊंगा आपको विस्तार से बताऊंगा सारी जानकारी बने रहना बस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन क्लियर है नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट लेक्टोज इज कंपोस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू सुगर दोस्तों लैक्टोज कौन से दो सुगर से मिलके बनता है जवाब पुट करो और आप में से किसका सही आंसर आएगा सबसे पहले सही आंसर आ गया भैया कृष्णा का फिर से अरे वाह कृष्णा क्या बात है भैया कृष्णा तो बहुत ही गजब परफॉर्मेंस आज दिखा रही है और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलके बनाते हैं मेरे गजोदर क्या बनाते हैं लैक्टोज तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलके बनता है लैक्टोज ए ऑप्शन राइट आंसर है क्लियर है अगला सवाल है घुन्तीसवा फोलर इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द फेनेटोइन और दोस्तों का बताना है, और कौन बाजी मारने वाला है और वेरी गुड भैया जगदीश के लिए एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए पहली रैंक पर है जगदीश और जगदीश अभी सबसे बढ़िया रैंक पे चल रहा है और सही आंसर आया है बेटा गम हाइपर ट्रॉफी बी ऑप्शन सही जवाब है क्लियर हो गया है सबका अगला सवाल देखना मेरे गजोदर थर्टी फ्टर गिविंग द बीसीजी है सीजी देने के बाद जवाब आया है सबसे पहला सही आया है अनिल सन्नी का और वेरी गुड सन्नी बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस फर्स्ट रैंक पर है सन्नी और सही जवाब दिया है सन्नी ने तीन मंथ के अंदर जाकर के बीसी लगाने के बाद अरे बीसीजी लगाने के बाद थ्री मंथ के अंदर अंदर मेरे बच्चों क्या बनता है स्कार फॉर्म होता है क्लियर हो गया है अरे सन्नी बेटा फर्स्ट रैंक पर चलना है तेरे को सी ऑप्शन राइट आंसर है थर्टी वन देखना व्हाट इज द कलर ऑफ द पेरीफेरल वीनस कैनुला ऑफ द सिक्सटीन गोस सोलह गोज के पेरीफेरल कैनुला का क्या कौन सा कलर होता है सोलह नंबर के कैनुला का कलर आपको बताना है बेटा और सबसे पहले सही जवाब किसका आया अरे तुमने राफेल बना रखा है को तुम पढ़ने ही नहीं दे रहे हो नाम किसका आया है तो मेरे बच्चों ग्रे कलर का कैनुला होता है 16 गोज का कैनुला, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है यहाँ पे मैं नहीं बता पाया कि कौन फर्स्ट रैंक पे है थर्टी टू देखना वेक्टर ऑफ द काला अजार काला अजार जो बीमारी फैलती है किस वेक्टर से फैलती है ये आपको बताना है और देखना मेरे गजोदार इसमें सबसे पहले पहला जवाब आया है भैया जगदीश ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है वेरी गुड जगदीश बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वेरी एक्सीलेंट जगदीश और याद रखना मेरे काला अजार जो स्प्रेड होता है वो सेंड प्लाई से होता है सी ऑप्शन इसका जवाब है नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री के लिए तैयार हो जाइएगा विटामिन एंटीडोट ऑफ हिपेरिन और ये सरकारी सवाल आ गया भैया

और आपने पूरी हालत खराब कर दी चैट बॉक्स की वेरी गुड शाबाश और ग्लासगो स्केल सी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर है मेरे बच्चों और अगला सवाल सुनना भैया थर्टी फाइव एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करते हैं किससे किया जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव के अंदर कौन बाजी मारने वाला है और भाई साहब यहाँ पे भी आप लोगों ने चैट बॉक्स की हालत खराब कर रखी है नहीं पता चल पा रहा है और टू परसेंट ग्लूट्री यूज करते हैं तो याद रखना मेरे गजोदर इज टू द एंडोस्कोपिक लगा लेना सामने एंडोस्कोपिक और रात को दस बजे टाइम से आ जाया करो यार तुम लोग अरे टाइम से आ जाया करो भैया रात को दस बजे क्लास रोज होती है और गुड न्यूज भी आज बताने वाला हूं आप सबको मैं कि क्या गुड न्यूज है अभी क्लास के लास्ट में बताऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान रखो टाइम से आ जाया करो क्लास थोड़ा पांच मिनट पहले आ जाया करो ताकि शुरुआत से मिस ना हो क्योंकि एक एक क्वेश्चन अपने लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना टारगेट है इसी साल जॉब लगना एग्जाम क्रैक करना और वुगली में जो एक्सीलेंसी और जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी मेरे बच्चों क्योंकि वुगली अपने आप में एक क्वालिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ट्रेंड किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि क्लास दस मिनट पहले ही आ जाओ दस बजे एग्जैक्ट तो आ गया थर्टी सिक्स देखना है, है? जवाब दो मेरे बच्चों नीतू नीतू थैंक यू सो मच और क्वेश्चन नंबर का आंसर पुट करो भाई साहब जल्दी से और सबसे पहले आंसर आ गया भाई साहब कृष्णा का वेरी गुड हेमिल्च मैनुअर जो होता है मेरे बॉडी रिमूवल ट्रेकिया में से फॉरन बॉडी रिमूवल के लिए हम यूज़ करते हैं ए ऑप्शन इसका राइट right आंसर और कृष्णा अभी भी फर्स्ट रैंक पर बनी हुई है और बहुत ही गजब की बाजी आज कृष्णा मार रही है इस क्लास के अंदर, और थर्टी सेवन के लिए तैयार हो जाओ भाई, भाई साहब आप जल्दी से पोजिशन ले लो फॉर ट्रेकियल इंटेशन ऑफ अ चाइल्ड ट्रेकियल ट्यूब ऑफ द फॉलोइंग साइज वुड बी अप्रोप्रिएट आपको यदि अगर मेरे बच्चों किसी छह साल के बच्चे को अनकफ ट्रेकियल ट्यूब डालना है तो किस साइज का ट्यूब डाला जाता है और सही जवाब अभी आया है सबसे पहला तन्नू का आया है भाई साहब तन्नू का सही जवाब है बाकी सबका गलत है तन्नू ने सही जवाब दिया 5.5 पॉइंट एम का ट्यूब डाला जाता है मेरे बच्चों किसको छह साल के बच्चे को तो सही आंसर है आपका सी ऑप्शन 5.5 क्लियर है जो लोग बी आंसर लगा रहे हैं उनका करेक्ट नहीं है याद रखना 5.5 पॉइंट इज द राइट और ये सही माना गया था मेरे बच्चों एम्स के अंदर और एम्स ने किसे सही आंसर माना था 5.5 अगर कंफ्यूजन है तो अपने टीचर से एक बार कंसल्ट कर लेना जहां से आपको फंडा पढ़ाया गया है आगे सवाल की बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन द हीट स्ट्रोक अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा क्या आंसर करोगे मेरे बच्चों और सबसे पहले सही जवाब आया है इस बार सन्नी का और पहली पोजीशन पर है अभी सन्नी और थैंक यू सो मच वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस सनी वेरी एक्सीलेंट और सही जवाब होगा मेरे बच्चों किसी को हीट स्ट्रोक अगर हो जाता है तो टैपिड वाटर स्पंज अपन उसको देंगे टैपिड वाटर स्पंज से हीट स्ट्रोक जो है उसको रिवर्स किया जा सकता है टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है ए ऑप्शन इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन रेशो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ इन द अडल्ट रिससिटेशन और इसमें तो सबका आंसर सही आना चाहिए भाई साहब किसी का भी गलत ना आए और प्रमोद ने सबसे पहली बाजी मारी यहां पर और प्रमोद वेरी गुड एक्सीलेंट और रेशो टू सही आंसर होता है गजोधर और हमेशा ये सरकारी क्वेश्चन है पूछा ही जाता है सीपीआर से दो क्वेश्चन फिक्स कर लेना आप लोग हर एग्जाम में आएंगे दो से चार भी आ सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं आएंगे मैंने कहा कि आपको नोरसेट क्रेक करवाएंगे केवल दो ही सब्जेक्ट और वो है एक एमएसएन और दूसरा है फंडा दोनों पे जम के कमांड बना लो मेरे बच्चों जितनी ताकत लगानी है ना अगर रियल में ही तुम्हें क्रैक करना है एग्जाम तो दो सब्जेक्ट पे जम के कमांड कर लो एमएसएन सबसे पहले और दूसरे नंबर पे फंडा बाकी सब बाद में देखेंगे लेकिन एमएसएन फंडा की ताकत को पहचानो पावर को पहचानो 50 से 60 परसेंट पेपर सोल्व करवा देंगे ये दोनों सब्जेक्ट और सिलेक्शन तो इन दोनों से ही हो जाएगा आपका आगे बात कर रहा हूं मेरे बच्चों 40 के अंदर बर्थ डेट ऑफ द फ्लोरेंस नाइटेंगल और फ्लोरेंस नाइटेंगल का जन्म दिवस कब मनाते हैं अपन और ये नहीं आया तो डूब जाना चंबल में आके किसी ने गलत कर दिया ना तो चंबल में आ जाना यहाँ और मैं डुबा दूंगा डुबकी लगवा दूंगा 12 मई 1820 मेरे गजोदर 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटेंगल का जन्म हुआ है ये ऑप्शन सही जवाब है और इस बार 12 मई सेलिब्रेट किया था बुगली के अंदर जम के किया था दोस्तों नेशनल लेवल पे जबरदस्त और आप सबको इनविटेशन देके गया था और आप में से काफी लोग आए और जिन्होंने सेलिब्रेट किया मजा आ गया और अगला जो सेलिब्रेशन करेंगे 12 मई का वो याद रखना भूल मत जाना एक तो तुम लोगों की आदत है भूलने की भूलने की जो प्रॉब्लम है ना उसको याद रख लेना भूलना मत अगला जो 12 मई आ रहा है 2023 का वो बहुत बड़े नेशनल लेवल पे अपन सेलिब्रेट करेंगे और आप सबको आना है वुगली परिवार के हर वुगलियंस को यहाँ कोटा आना है उस दिन हम सब मिलके एक साथ डिनर करेंगे और एक साथ इस दिवस को सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हम सब जो भी फ्लोरेंस के वंशज हैं मेरे बच्चों हम सब फ्लोरेंस के वंशज हैं और फ्लोरेंस का हर एक वंशज मेरा खास है आप सब मेरे बहुत खास हैं आप सब मेरे बहुत करीबी मित्र हैं तो आप सबका आना बहुत कंपल्सरी है बहुत जरूरी है एक भी मेरा कोई ऐसा भुगलिय ना बचे जो ना आए अब सब आओगे ना अरे आ रहे हो ना नेक्स्ट जो बारह मई सेलिब्रेट करेंगे भैया कौन कौन आ रहा है सब आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो नेक्स्ट जो हम फ्लोरेंस के पूरे वंशज मिलकर के और फ्लोरेंस का बर्थडे मनाएंगे तो हम सबको एकत्रित होना है हम सबको जोश के साथ फ्लोरेंस का जन्म दिवस जो है नेशनल लेवल पर वुगली प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेलिब्रेट करना है हम सबको साथ में डिनर करना है एक साथ पूरे वंश को पूरे परिवार को और मेरे बच्चों सबको मिलना है आगे बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज उत्तराखंड की राजधानी का नाम बताओ कैपिटल का नाम बताओ जितने भी लोगों का जीके थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और कृष्णा ने बाजी मार ली भैया सही से वापस से फर्स्ट रैंक पर है फर्स्ट पोजीशन पर है कृष्णा और देहरादून सही जवाब है भाई साहब बी ऑप्शन इसका जवाब है उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड की कैपिटल क्या है देहरादून क्वेश्चन नंबर और 10 बजे आ जाया करो एग्जैक्टली क्लास लेने के लिए पांच मिनट पहले आ जाया करो 10 बजे क्लास होती है रोज मेरे बच्चों और 10 से पांच मिनट पहले आके वेट कर लिया करो आप लोग एग्जैक्ट 10 पीएम से स्टार्ट हो जाती है एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है आप लोगों को और दोस्तों जो लोग जल्दी आ जाते हैं ना वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन बता दिया करो अगर कुछ नहीं पता है एग्जाम में क्या चल रहा है क्या तैयारी चल रही है आपस में हमें सारी बातें पढ़ाई की करनी है पढ़ाई से संबंधित ऐसा माहौल क्रिएट कर लो कि हम सब पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करेंगे फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगला सवाल देखो फोर्टी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैम इन टू इन द ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन से वर्ष में आया था जवाब दो अगर किसी को आता है तो और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसकी जीके वगैरह स्ट्रॉन्ग है अभी पता चल जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है भाई साहब सबका जवाब गलत और सही आंसर है मेरे बच्चों 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 के अंदर आया था डी ऑप्शन इसका जवाब है याद रख लेना नहीं पता है तो कोई बात नहीं फोर्टी थ्री में कौन बाजी मारने वाला है पंचायती राज कम अंडर पंचायती राज किसके अंडर में आता है रेजिडुअल लिस्ट कंकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट किसके अंडर में आता है दोस्तों पंचायती राज और सबसे पहले सही जवाब आया है इस बार शिववर्धन का और सही जवाब है स्टेट की लिस्ट के अंडर में आता है स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है पंचायती राज मेरे बच्चों सी ऑप्शन याद रखना पंचायती राज स्टेट के अंडर में आता है सबका सही जवाब जो डी दे रहे हैं वो गलत और सबसे पहले नंबर पे आया है शिव दर्शन और देखिए 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट और द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा और सबसे डीप ओशियन कौन सा है और सबसे पहले सही आंसर आया है भैया सरिता का सरिता ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है पहली रैंक पर आई है सरिता और भैया सरिता के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए सरिता वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेन और योर ग्रेट एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पैसिफिक जो ओशियन है दोस्तों ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का फोर्टी के लिए तैयार हो जाओ भैया क्वेश्चन नंबर फोर्टी के लिए तैयार हो जाइएगा द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा का पहला स्पीकर कौन है कौन था किस किस को इतनी करंट अफेयर स्ट्रोंग है पहला लोकसभा स्पीकर कौन था भैया और पहला लोकसभा स्पीकर था मेरे दोस्तों जीवी मावलकर जीवी मावलकर वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर वेरी गुड शाबाश एक्सीलेंट बहुत बढ़िया आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर है और अगर मैं पूछू आपसे कि आज का लोकसभा स्पीकर कौन है अरे आज का लोकसभा स्पीकर कोटा की धरती से है और कोटा के काशी से है मेरे बच्चों शिक्षा का काशी कोटा शिक्षा का काशी मेरे बब्बर शेरों और यहाँ की एजुकेशन में बहुत दम है बहुत दम रिजल्ट पे बात करते हैं हम लोग हवा में नहीं और रिजल्ट पे बात करनी है मेरे बच्चों ओम बिरला जी भाई साहब और ये हैं आज के लोकसभा स्पीकर मेरे बच्चों बहुत अच्छे और नाइस पर्सन है और बहुत जानदार पर्सन है और अपने खास हैं दोस्तों और आप सबको मिलवा दूंगा किसी दिन और अपनी वुगली में अगला जो बारह मई मनाएंगे उसमें आप सबके साथ में मैं मिला करके और नर्सेस के हित में बात करवाऊंगा और दोस्तों सही आंसर आपका आ गया है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स के लिए तैयार हो जाओ ऑन द चॉइस मई दो हजार उन्नीस द हु सर्टिफिकेट विच ऑफ कंट्री एज द मलेरिया फ्री मेरे बच्चों चौबीस मई दो हजार उन्नीस को कौन सा देश मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया था और यह बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया और इसका सही जवाब आया है सबसे पहले रीना का जवाब आया है रीना मेरे बच्चे बहुत बढ़िया वेरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और इसका सही आंसर है बेटा सही जवाब है सब लोग गलत आंसर कर रहे हो सी आंसर नहीं साउथ अफ्रीका क्यों आंसर कर रहे हो गलत जवाब दे रहे हो और सही आंसर है मेरे बच्चों अल्जीरिया अल्जीरिया एक ऐसा कंट्री है जो दो के अंदर मलेरिया फ्री हो गया था यानी कि ए ऑप्शन इसका जवाब है मेरे गज़ोदार अगला सवाल देखना फोर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल डॉक्टर्स हैज वोन द ग्लोबल एशियन ऑफ दिन अवार्ड ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड कौन से डॉक्टर को दिया गया था 2018 हजार में और यह दिया गया था दोस्तों हेमा दिवाकर को किसको दिया था हेमा दिवाकर को बाकी सबका गलत जवाब है याद रख लेना भाई साहब डी ऑप्शन इसका सही जवाब है क्लियर है अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ मेरे गजोदर 48 के लिए तो चलिएगा द सस्कावा अवार्ड

इसलिए प्रमोद को याद है यह क्वेश्चन का आंसर प्रमोद कुमार मिश्रा को दिया गया था 49 के लिए तैयार यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अवार्डेड द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम टू द मेरे बच्चों डोनाल्ड ट्रंप को दो हजार उन्नीस में किसकी फ्रीडम के लिए रेजिडेंशियल मेडल दिया गया था और इसके लिए इसके लिए सही जवाब आप सबको देना है मेरे बच्चों और बहुत सही बहुत सही नीलम ने फर्स्ट बाजी मार ली फर्स्ट रैंक पर है अभी नीलम और नीलम का सही जवाब आया है टाइगर वुड्स के लिए टाइगर वुड्स के, के लिए मेरे दोस्तों दो में डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था रेजिडेंशियल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम ऑफ द टाइगर वुड्स नाउ द क्वेश्चन नंबर 50 मैंने कहा एक गुड न्यूज सुन के जाना लास्ट में बताऊंगा रिसेंटली द लॉन्च योगा लोकेटर ऐप इज टू देल्प द पीपुल लोकेट मेरे बच्चों योगा लोकेटर जो ऐप है वो क्या लोकेट करने के लिए बनाया गया है क्या लोकेट करने के लिए बनाया गया है और मेरे गजोदर सबसे पहले जवाब कविता का आया है और जगदीश का आया है जगदीश और कविता बोथ आर द फर्स्ट रैंकर इन द लास्ट क्वेश्चन गाइज और राइट आंसर द योगा सेंटर जो योगा लोकेटर ऐप है ये योगा सेंटर्स को लोकेट करने के लिए बनाया गया ऐप है और वेरी गुड शाबाश मेरे बच्चों तो गुड न्यूज भी सुन लो आप लोग अरे सुनाऊ के नहीं सुनाऊ अरे गुड न्यूज क्या है सुनाऊ के नहीं सुनाऊ या कल सुना दूंगा सुनाऊ या कल सुना दूंगा पहले तो यह सुन लो उन्नीस तारीख को जयपुर की क्लास लेने आ रहे हो ना आप सब लोग तारीख को जयपुर की क्लास मिस मत करना निस्वार्थ और निशुल्क मेरी एक ही वाणी है निस्वार्थ और निशुल्क केवल बदल के रहूंगा नर्सिंग प्रोफेशन को और नर्सिंग प्रोफेशन को बदलना मेरा जुनून है मेरा जोश है और मेरी ये मेरे बच्चों विनिंग का सपना है और बदल के रहूंगा तो गुड न्यूज भी सुन लो आप लोग आप सबको पढ़ाने के लिए मेरे बच्चों बच्चोंट तक, तक आप सबको तैयार करने के लिए दो ऐसे योद्धा आने वाले हैं मेरे बच्चों मेरे बाद मेरे बाद दो ऐसे योद्धा आने वाले हैं मेरे से काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम भी नर्सिंग क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं सर हमें भी मौका दो और दो ऐसे योद्धा आने वाले हैं मेरे बच्चों आप सबको तैयार करने के लिए एग्जाम्स की तैयारी के लिए और उनके नाम कल बताऊंगा आपको और वो दोनों योद्धा एग्जैक्टली दस बजे आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा कल दस बजे रात को और मेरे बच्चों ये दोनों योद्धा भी आपको YouTube के ऊपर तैयार करेंगे और आपके अंदर चेंज लेके आएंगे मेरे से। मेरे से से मोटिवेट होकर उनके दिल में भी खून खोल उठा कि सर हम भी तो कर सकते हैं और सर हमें भी करने का मौका दो आप हम भी बच्चों को निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करेंगे अरे आप तो कोटा में यूट्यूब पढ़ा रहे हो जयपुर में जाके पढ़ा रहे हो अपने खर्चे से अरे जयपुर में इतने लाखों रुपए दस लाख रुपए खर्च करके केवल बच्चों के खातिर केवल बच्चों को पढ़ाने के खातिर या कोटा से आप जयपुर जा रहे हो वीकली इतना खर्चा लगा करके जयपुर जा रहे हो सर हम कोटा में रह के कर सकते हैं कम से कम सर हम इतना भी नहीं कर सकते तो हमें तो डूब मरना चाहिए उनके ये शब्द थे मेरे बच्चों और मैं उनकी ख्वाहिश आप लोगों के साथ आप लोगों के आशीर्वाद से पूरा करूंगा और कल से मेरे दोस्तों आप सबको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा दो ऐसे योद्धाओं से जो आप सबको यूट्यूब पढ़ाएंगे और मेरे बब्बर शेरों आप सब की तैयारी में चार चांद लगाएंगे दिल से आप सबके लिए पूरे तिरंगे झंडे के साथ जोश के, जोश के से भरे हुए ऐसे दो योद्धा आपके लिए लेके आने वाला हूं तो चलिएगा थैंक यू सो मच आज बस इतना ही मेरे गजोधर तो आज्ञा दीजिएगा चलने की मुझे भी डिनर करना है और आप सबको पढ़ाना है तो चलिए थैंक यू सो मच लव यू गाइज विश यू ऑल द बेस्ट और एग्जैक्टली 10 बजे क्लास के टाइम से पहले आ जाया करें ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो थैंक यू सो मच लव यू गाइज विश यू ऑल द बेस्ट शुभ रात्रि।